रविवार की दोपहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे छठे विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के समापन समारोह में पहुंचे। विश्व आयुर्वेद सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें आयुर्वेद पर भी योग जैसा विश्वास करने की जरूरत है। अगर ऐसा किया गया तो जैसा स्थान आज योग को दुनिया में मिला है, वैसा ही आयुर्वेद को भी मिलेगा। हमारे देश में भी जिस भारत की धरती पर योग की कल्पना थी, जिस भारत ने योग विश्व को दिया, हम लोगों ने मान लिया था योग ये हमारा काम नहीं है, ये तो हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनियों का गुफाओं में बैठ करके साधना करने वाला प्रकल्प है। जिस योगा से हम भी जुड़ने को तैयार नहीं थे, उस योगा से अगर आज दुनिया जुड़ गई है, तो जिस आयुर्वेद के बाद में हमारी आज उदासीनता है, कल उस आयुर्वेद से भी दुनिया जुड़ सकती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच किसी भी प्रकार के द्वंद्व से बचते हुए दोनों से लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम ये न कहें कि भाई एलोपैथी एक रास्ता है, लेकिन आयुर्वेद ये जीवन पद्धति है, ये वे ऑफ लाइफ है, हमारा पूरा फोकस आयुर्वेद को एम्फेसिस बदलना होगा। हम एलोपैथी के साथ संघर्ष का चेहरा लेकर के चलेंगे तो उस लड़ाई से हमें फायदा नहीं है। अगर नई बीमारी आएगी तो एलोपैथी वाले संभाल लेंगे, लेकिन बीमारियां ना आए वो तो आयुर्वेद ही संभाल सकता है। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में विदेश से आए करीब 400 प्रतिनिधियों के अलावा 4000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इनमें 5 पूर्ण अधिवेशन, 15 अनुसंधान विषयों पर और 25 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। भारत, जर्मनी, इटली, अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी करीब 750 पत्र पेश किए। छठे विश्व आयुर्वेद सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में मूवमेंट चलाने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह योग दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, आने वाले समय में आयुर्वेद पद्धति से भी लोग जुड़ जाएंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।